दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे स्वतंत्रता वीर सावरकर और मडगांव एक्सप्रेस के सातवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे दोनों फिल्मों के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं स्वतंत्रता वीर सावरकर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 1 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 5 करोड़ 53 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने अपने चौथे दिन में 2 करोड़ का, पांचवें दिन में 1 करोड़ 5 लाख का, अपने छठवें दिन में बुधवार के दिन में लगभग 87 लाख का नेट कलेक्शन किया, जिससे इस फिल्म के 6 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 9 करोड़ 45 लाख हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 11 करोड़ 60 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 90 लाख कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 6 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 12 करोड़ 50 लाख हो चुका है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के सातवें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने सातवें दिन में इंडिया में लगभग 75 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 23 करोड़ है। अब तक के कलेक्शन के हिसाब से फिल्म बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हुई है। कल 2 नई फिल्में रिलीज हो रही है जिसके बाद इस फिल्म के कलेक्शन लगभग डाउन हो जाएंगे, यानी इस फिल्म के एवरेज होने के भी कोई चांसेस नहीं है। बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 8 रेटिंग मिले। अब जानते हैं मडगांव एक्सप्रेस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 1 करोड़ 60 लाख का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 7 करोड़ 12 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने चौथे दिन में 2 करोड़ 65 लाख का, पांचवें दिन में 1 करोड़ 53 लाख का और अपने छठवें दिन में बुधवार के दिन में लगभग 1 करोड़ 46 लाख का नेट कलेक्शन किया, जिससे इस फिल्म के 6 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 12 करोड़ 76 लाख हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ 40 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 1 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 6 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 16 करोड़ 40 लाख हो चुका है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के सातवें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने सातवें दिन में इंडिया में लगभग 1 करोड़ 20 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 19 करोड़ है और ये फिल्म इसी वीकेंड में अपना बजट रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाएगी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 8.6 रेटिंग मिले। तो दोस्तों अगर आपने दोनों फिल्म देख लिया तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।